नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ देवशंकर। लखनऊ से बड़ा मामला प्रकाश में आया, जहां पर एक टेलीकॉम के अधिकारी को 5-स्टार होटल में बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई। आपको बता दें कि मामला लखनऊ के ताज होटल का है, जहां पर टेलीकॉम के एक बड़े अधिकारी टीवी कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत है, जिसको बंधक बनाकर उनके ही ऑफिस के वाले लोगों ने बंधक बनाकर मारपीट की गई। आपको बता दें कि पूरा मामला हमारे संवाददाता भास्कर सारस्वत ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की और देखते हैं एक खास रिपोर्ट। लखनऊ में टेलीकॉम कंपनी अधिकारी के रूप में कार्यरत कोऑर्डिनेटर को कंपनी के ही अधिकारियों ने शहर के ताज होटल में रहने के दौरान बंधक बना लिया। आपको बता दें कि वह उससे कमीशन के रुपए मांगने लगे, वहीं बात ना मानने पर उसे जमकर मारा पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आनंद फानंद में उसे गाड़ी में लादकर सहारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिससे 3 दिन बाद होश आने पर अधिकारियों ने फिर उसे फोन पर धमकाया, जिसे घबरा कर उसने जहर खाकर सुसाइड नोट लिख दिया, जिसकी हालत सेंटर में गंभीर बनी हुई है। वहीं सूचना मिलने पर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू की। एसएसपी ने गोमती नगर थाने की पुलिस को मुकदमा दर्ज कर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं पुलिस के अनुसार हसनगंज के मदनगंज निवासी राजन पांडे टेलीकॉम कंपनी में ईडी कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हैं। कंपनी का ऑफिस हजरतगंज स्थित रतन स्क्वायर में बना हुआ है, जो टेलीकॉम कंपनियों को सप्लाई करने का काम करती है। बताया जा रहा है कि बीती 11 अप्रैल को चंडीगढ़ से कंपनी के कर्मचारी लखनऊ आए थे, जो कार्य के दौरान ताज होटल में ठहरे हुए थे, जहां पर राजन पांडे को कंपनी की तरफ से कार्य देने के लिए बुलाया गया था, जहां पर कंपनी के अधिकारी उस पर ज्यादा कमीशन देने का दबाव बनाने लगे। इस दौरान वह गंभीर चोट लगने के कारण बेहोशी की हालत में पहुंच गया। यह देख कंपनी के अधिकारियों ने उसे आनंद फानंद में कार में ले जाकर सहारा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वह करीब 3 दिन तक बेहोश रहा। वहीं होश आने पर वापस अपने घर चला गया, जहां पर कंपनी के अधिकारियों ने उसे फिर से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पांडे साहब, राजन जी के पॉइजन खाने के पीछे और बताया जा रहा है ATC अमेरिकन कोई कंपनी है, टावर कंपनी, क्या मामला है पूरा? ये अमेरिकन कंपनी में लगभग 8-9 साल से मेरा बच्चा काम करता है, राजन पांडे। तेज बोलिएगा। राजन पांडे मेरा लड़का है, जो 8-9 साल से टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहा है। इसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार था 8-9 साल के बीच में, हमें कुछ समझ में नहीं आया, ना बच्चे की समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया कि 10 अप्रैल को अचानक इससे बुलाया गया। नीरज शर्मा इनके सर्किल इंचार्ज हैं, उनके द्वारा बुलाने के बाद इससे लैपटॉप जो कंपनी के माध्यम से दिया गया था, उस कंपनी के माध्यम का दिया हुआ लैपटॉप था, ठीक है आप जमा करा लीजिए, किंतु उसकी कोई रिसीव आप हमसे देते समय आपने रिसीविंग ली, किंतु आप जब छीना उससे तो उसकी रिसीविंग आपने नहीं ली। 10 अप्रैल को इसे लैपटॉप छीन लिया गया, इसको कमरे में बुलाने के बाद, और कुछ सवालात इससे किए गए। अब वो सवालात के बाद फिर इसे अगले दिन, मतलब इस तरीके से सवालात दिए गए कि वहीं से टेंशनाइज हुआ, और इसको ये समझ में नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या मैंने कर दिया कि जो मेरे पीछे ये बात आ गई कि मुझसे लैपटॉप छीन लिया गया और मुझसे उल्टी सीधी बातें कही गई। ये वहाँ शाम को काफ़ी टेंशनाइज होकर के लौट के आया घर, लेकिन जब अगले दिन सुबह या फिर जाने को हुआ तो उससे पहले वाइफ की तबीयत गड़बड़ थी, और इसकी वाइफ की तबीयत अक्सर गड़बड़ रहती, बहुत पहले की चीज़ है, तो आवश्यकता इस समय वो प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर की एडवाइस है कि जब भी कोई दिक्कत आए तो आप हमारे पास जरूर तुरंत लेकर के दिखाइए। ये वहाँ लेकर जा रहा था, पहुँचा ही नहीं था कि तब तक टेलीफोन आ गया नीरज शर्मा का कि आप ताज होटल गोमती नगर आ जाइए। किस डेट की घटना है ये? 11 तारीख की। नहीं, ताज होटल कब बुलाया? 11 को शाम को 4 बजे के आसपास। 11 तारीख को? जी हाँ, 11 तारीख को। और इन्होंने जब बुलाया तो उसने कहा कि मैं अपने वाइफ को दिखाने लाया हूँ, अभी मैं उसे दिखा के घर छोड़ के आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप उसको वहीं छोड़ दीजिए और चले आइए। फिर ये विवश होकर के ये वहाँ गया ताज होटल में, संभवतः रूम नंबर 261 जी बताया गया कि उसमें इसको ले गए। उस समय उस कमरे में 4-5 लोग और इनके सीनियर बैठे हुए थे नीरज शर्मा के लिए जी, अनुपम त्यागी मिस्टर एक अय्यर हैं, और एक वासुदेवन जी हैं, और एक मोहंती जी हैं। इन सब लोगों ने इससे सवाल करने शुरू किए और ये कहा कि आप मिस्टर असद एंड अदर पर्सन के विपरीत आप कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे दीजिए और आपके विरुद्ध कुछ नहीं होगा। तब ये एकदम से शंका कि ऐसा क्या मैंने किया था, वो क्या ये चाहते हैं, वो अगर जांच चल रही होती तो उसको पहले इंटीमेट किया जाना चाहिए था, वो भी नहीं किया कि आपके विरुद्ध कोई जांच चल रही है या इन लोगों के विरुद्ध जांच चल रही है, कोई नोटिस इन लोगों को नहीं दी गई लीगली। और 11 तारीख को इतना हरेसमेंट उसको किया कमरे के अंदर कि वहाँ इसकी हालत बिगड़ गई,
होटल ताज के कमरे में क्या मारा पीटा भी गया? संभवतः चूंकि ये काफ़ी देर चिल्लाया उल्लाया है तो बगल के कमरे में एक दूसरे 64 नंबर में मिस्टर असद मुसब्बिर जो इसके सीनियर थे वो ऑलरेडी वहाँ से पहले से उनको बुलाया जा चुका था, वो वहाँ मौजूद थे। वो भी कमरे से निकले तो उन्होंने भी संभवतः देखा, उनकी दृष्टि से ये था कि कुछ हाथापाई की नौबत थी। चार पाँच लोग थे, जब ये इसकी हालत ख़राब हो गई तो उसको स्ट्रेचर पर लाद करके उस कमरे से वहाँ के ताज होटल के स्टाफ लोगों ने भी देखा कि उसको अपने स्ट्रेचर से ला करके अपनी गाड़ी से लेकर निजी मिस्टर जी एस शर्मा सहारा हॉस्पिटल लेकर चले गए। सहारा हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा के इमरजेंसी में छोड़ के और अपने किसी कुलीग को इन्होंने आदेशित कर दिया कि घर वालों को फ़ोन करके बता दीजिए आकर के अस्पताल में देखें। हम जब वहाँ पहुँचे तो वो अस्पताल में फिलहाल वो तो हमसे नहीं मिले और उसके बाद उनका कोई ऐसा अथॉरिटी वाला नहीं मिला कि जो ये बता सके कि क्या ऐसा क्या हुआ था। बच्चा चूँकि उस समय बेहोशी की स्थिति में थी, इमरजेंसी में उसका जब पहुँचा इलाज चल रहा था, उसका सिटी स्कैन वगैरह हुआ, उसके बाद भी जब इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया उनकी दवा के बाद तो एक दिन पश्चात उसका फिर MRI भी कराया गया। उसके बाद दवा उसको दी गई, चार दिन एडमिट रखा, 15 तारीख को उसको डिस्चार्ज किया। कंपनी का नाम क्या है? ये ATC करके है, अमेरिकन टावर कंपनी जी। तो उसको 15 तारीख को वहाँ से डिस्चार्ज किया गया और 15 दिन के लिए डॉक्टर ने रेस्ट कम्प्लीट रेस्ट के लिए लिख करके दे दिया। किंतु उसको बार बार फ़ोन आता रहा, किन लोगों के द्वारा बुलाया जाता रहा ये बात स्पष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि कई लोग मिल करके उसे पूछते रहते थे, कुछ कहा करते थे कि क्या आपको ये करना है करिए, अन्यथा आपसे जो है आपको बर्बाद कर देंगे, आपकी नौकरी ले लेंगे, ये सब धमकी उन्होंने 11 तारीख को भी दी। तो इसने कहा कि मैं उन लोगों के विरुद्ध कैसे लिख दूँ जब मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको नहीं दे पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि आपकी मैं सेवाएं समाप्त कर दूंगा, आप बर्बाद हो जाएंगे, आपके लड़के, आपकी वाइफ और आपके बच्चा दोनों बीमार रहते हैं, आप उसका इलाज नहीं करा पाएंगे। फिर उसके पश्चात भी जो है वो ये देने के लिए जब लिखकर तैयार नहीं हुआ तो अब वो चूंकि इतना बर्डन उसके दीवार पर आ गया कि उसमें वो बेहोशी की हालत में इसको लेकर अस्पताल गए थे 11 तारीख को, और ये बीच बीच में जो बुलाते रहे और मैं 22 तारीख को अपने गाँव चला गया, लौट गया 25 तारीख को। उसके साथ ये घटना हुई कि जब 24 की रात में क्या ऐसा किन लोगों से मुलाकात किया और क्या कहा गया कि इसका दिमाग इतना ख़राब हो गया कि आकर के इसने 10 से 15 20 की गोलियों के बीच की संख्या में इसने गोलियां खा ली एक ढेर सी, और फिर यहाँ लगा कि अब बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में हो गया। जब इस ठंडे होने लगे और चूँकि 8 बजे दिन तक सोने की आदत पहले की थी, थकान की वजह से होता था, अब ये सुबह 6 बजे ही सब लोग उसको जगाने लगे। जब नहीं जगा, वाइफ ने उसके कहा कि यार तू चिल्लाई कसके, तो उसकी माँ और सब लोग फिर आसपास के लोगों ने इकट्ठा हो करके उसे उठाया और गाड़ी में ले जा करके ट्रामा सेंटर, और ट्रामा सेंटर में उसका फिर इमरजेंसी में इलाज हुआ। गोमती का थाने में जो आपने एप्लीकेशन दी उस पर कार्रवाई अभी हो नहीं पाई है? मैंने गोमती नगर थाने में एप्लीकेशन कल फिर दिया है। आप उनके पिताजी हैं? जी हाँ, मैंने स्वयं फिर एक आवेदन किया है और CO साहब से सीधे बात भी हुई है, किंतु वो ऑफिस के डॉक्यूमेंट को देखने के पश्चात उन्होंने मुझसे एक बार ये कह दिया कि मुकदमा मैं नहीं दर्ज कर सकता क्योंकि ये एक सबूत ऑफिस वाले दे रहे हैं, क्योंकि ना तो वो न्यायाधीश है और ना न्यायालय है वो, उन्हें FIR, हमने कहा कि आप हमारी FIR दर्ज करिए, आगे की कार्रवाई जब मुकदमा दर्ज होगा तो फिर जो वो सबूत होगा देखा जाएगा सर, और अगर हम कहीं गिल्टी है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। और अंडर प्रेशर उन लोगों ने उसका रेजिग्नेशन ले लिया था बच्चे का, उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने की बात है, अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि एक्सेप्ट कर ले, बात ख़त्म हो जाएगी हमारी। अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे जिन लोगों ने उसको प्रताड़ित किया है मानसिक रूप से, वो क्यों प्रताड़ित किया है, जब उसके खिलाफ़ कौन सी कार्यवाही की जाँच थी, उस जाँच के विषय में बताया क्यों नहीं गया, और बताया नहीं गया तो क्यों जाँच की गई और क्यों इस तरीके का प्रताड़ित किया गया। तो वो दोषी हैं उन लोगों की वजह से अगर वो मरणासन्न अवस्था में है या वो इतना परेशान रहता है, जबकि वो ईमानदारी से काम कर रहा था, उसको विभाग उसकी कंपनी ने अनेकों बार प्रोत्साहन के रूप में पारिश्रमिक रूप में उसको अलग से इंक्रीमेंट वगैरह भी दिए हैं, और आज उसका अचानक क्या हो गया कि 10 अप्रैल के बाद सारी कहानी बदल गई। अगर कोई भी बात है तो वो लिखित में आनी चाहिए थी, उस कंपनी के द्वारा उसको दिया जाना चाहिए, तो उसके बाद जो भी जांच करना है जांच करें, जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर जो भी नियमानुसार कार्यवाही उनको करना है करें वो। ठीक, धन्यवाद। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए भास्कर सारस्वत की रिपोर्ट, लखनऊ।